हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड मध्यमा परीक्षा के लेकर कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया है तो किस तरीके से आपको रिजल्ट चेक करना है, किस लिंक के थ्रू आपको चेक करना है, वो सारे कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जिसे चेक नहीं हो रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में रोल नंबर और रोल कोड भेजें, हम आपको रिजल्ट चेक करके बता देंगे कि आपका कितना मार्क आया है, कौन सा डिवीज़न आया है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ से आपको रिजल्ट चेक करना है और कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। तो हम वो आपको ऑफिशियली लिंक पर लेके चलते हैं जहां से आपको अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, रिजल्ट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग वो लिंक देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड एकेडमी काउंसिल जो JAC के नाम से भी इसे हम लोग सर्च कर सकते हैं या आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, सारे कुछ दिया गया है, तो इस तरीके से आप टाइप भी कर सकते हैं या झारखंड एकेडमी काउंसिल बोर्ड भी लिखिएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो आप झारखंड मध्यमा बोर्ड गूगल पे जाके सर्च करिएगा तो आपको लिंक आ जाएगा। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे देंगे जहाँ से आप लिंक को खोलिएगा, आपको इस साइट पर पहुँच जाइएगा और यहाँ से आपको देखिए क्या सब मांग रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ मध्यमा संस्कृत बोर्ड 2022, जिसमें रोल कोड मांगा जा रहा है और रोल नंबर आपसे मांगा जा रहा है। इसमें आप रोल नंबर भरिए, रोल कोड भरिएगा और इसमें रोल नंबर भरिएगा तो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएंगे। तो ऐसे मेरे पास अभी रोल कोड रोल नंबर नहीं है किसी का, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं। और जिसको नहीं डाउनलोड हो पाएगा वो मेरे पास कमेंट में रोल नंबर और रोल कोड भेजिएगा, हम आपको चेक करके दे देंगे। तो आप लोग फटाफट चेक करिए और बताइए कि आपका कौन सा डिवीज़न आ रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। और आपका जो जूनियर होंगे या आपको जहाँ एडमिशन करना है 11th में या आगे क्या करना है, यदि आप लोग का कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका सलूशन बताएंगे कैसे क्या आपको लाइफ में आगे करने हैं। तो चलिए हम लोग आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से कितने स्टूडेंट को फर्स्ट आया है, कितने को सेकेंड आया है, कितना को थर्ड आएंगे, ये सारे जानकारी हम आगे से आपको बताएंगे। और किसी को ये बहुत कम ही स्टूडेंट फेल किए होंगे और जो फेल किए होंगे वो हड़बड़ाइएगा नहीं, उसको भी सारे चीज़ बताएंगे कैसे का प्रोसेस करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।